वाल पुट्टी लगाने का कार्य किया जा रहा है। पहले तो स्टील की आई थी रेलिंग, वो हटा दी गई। हटा दी गई सर, दूसरी है जो इसका स्तंभ है, निचला हिस्सा है, देखिए। सामने आप देख सकते हैं कि धर्मपथ मार्ग का सबसे नवीनतम परिदृश्य है। और देखिए धर्मपथ मार्ग पर रातों रात यहाँ पर रेलिंग लगा दी गई है। देखिए रातों रात यहाँ पर रेलिंग लगा दी गई है। देखिए यहाँ पर साफ सफाई कार्य चल रहे हैं। कितना सुंदर परिदृश्य है, और सुबह 8:30 बजे का परिदृश्य देखिए धर्मपथ का, कितना अधिक सुंदर एवं मनोहर है। और यहाँ आप देखिए यहाँ पर नए तरीके के पिलर भी लग रहे हैं। देखिए जो स्तंभों के नीचे जो आकृतियाँ बनी थी उनको खंभे के नीचे का हिस्सा जो है यहाँ पर लगाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं। सामने आप देख सकते हैं कि धर्मपथ मार्ग को पूरी तरीके से सजाया संवारा जा रहा है, और ये रेलिंग के निर्माण कार्य पूर्ण हो चुके हैं। और देखिए बिजली के तार गए हैं, यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था भी की जानी है। और देखिए खंभे लाए गए हैं, किनारे पोस्ट इसको लगाए जाएंगे। देखिए यहाँ साफ सफाई के कार्य चल रहे हैं, और इस पर भी पेंटिंग होगी ना, इस पर पेंटिंग की जाएगी। हाँ, पेंटिंग की जाएगी। अच्छा, पहले तो स्टील की आई थी रेलिंग, वो हटा दी गई। हाँ, हटा दी गई सर, दूसरी है। क्यों उसको हटा दिया गया सर? ऐसा है कि इसको बात के आदमी जाने क्या मतलब, वो तो बढ़िया थी, देखने में भी काफ़ी अच्छी थी। हाँ, तो ये लोहे की लगा दी है। बेहतर है सर, उससे बेहतर। पाइप को काटने का कार्य किया जा रहा है, आप देख सकते हैं। ये पाइप कहाँ लगेगी? अच्छा,
देखिए जो ये स्थान है, जो ये पाइप जो है ये काट करके लगाई जा रही है, जो उसके होर्डिंग के पॉइंट हैं। आप ही इसको देखना पूरा, पहले स्टील की आई थी इसको हटा दिया गया, वो तो जरूर बता पाएंगे हम, कोई आदेश लगा ही लगाने। अच्छा अच्छा, तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट आप ही को मिला है इसका। अच्छा अच्छा। और दीपोत्सव से पहले पहले यहाँ पर इस कार्य को पूर्ण कर लिया जाएगा। कब तक पूरा करने का बताए हैं, कितने दिन? 28 तारीख का। तो देखिए 28 तारीख तक इन सभी कार्यों को पूर्ण करने का निर्देश दिया गया है। और देखिए लाइटिंग की व्यवस्था के लिए सारे इक्विपमेंट यहाँ पर लाए गए हैं और इन सभी को यहाँ पर लगाया जाएगा। ये आप देख सकते हैं, देखिए वालपुट्टी के भी कार्य हो रहे हैं यहाँ पर। देखिए ये जो पाइप है, इस पाइप को जो है यहाँ पर लगाया जा रहा है, इसको जो है तो रेलिंग लगी है इसमें, इस पाइप को यहाँ पर ऐसे लगाया जाएगा, इस मोड में, इस मोड में। देखिए ये सारी कटिंग की पाइप रखी हैं। देखिए यहाँ पर वेल्डिंग की जा रही है। और ये आज सुबह का सबसे नवीनतम परिदृश्य है। देखिए रेलिंग लगाने का काम जो है युद्ध स्तर पर किया जा रहा है और 28 तारीख तक ये सभी निर्माण कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे। देखिए यहाँ पर 3 स्टेज बनाई जाएगी, 3 स्टेज का निर्माण कार्य होगा। देखिए रेलिंग यहाँ पर लगाई जा चुकी है और पहले स्टील की आई थी, अब इसको क्यों लगाया गया इसके विषय में प्राधिकरण ही जानकारी दे सकता है। और देखिए यहाँ पर सभी पाइपें रखी हैं और उम्मीद है कि आज रात तक जो है ये सारी रेलिंग लग जाएंगी। वैसे आनंद फानंद में ही कार्य जो सरकारी कार्य हैं वो तेज़ होते हैं। की बार अयोध्या में विश्व कीर्तिमान बनाने की भी तैयारी की जा रही है और इसी क्रम में देखिए पाइप को काटा जा रहा है, इससे रेलिंग लगाई जाएगी। तमाम बिजली के उपकरण यहां पर आए हुए हैं रेलिंग निर्माण कार्यों के लिए। Thank you.
देखिए यहाँ पर जो है रेलिंग लगाने का कार्य हो रहा है और यहाँ पर वेल्ड किया जा रहा है इसको देखिए। और युद्ध स्तर पर दीपोत्सव की तैयारियाँ की जा रही हैं। देखिए वॉल पुट्टी लगाने का कार्य हो रहा है इसमें, वॉल पुट्टी लगाने का कार्य किया जा रहा है। एक वेड हो रहा है इधर, वॉल पुट्टी लग रही है और लगभग शाम तक पेंटिंग के कार्य भी कर लिए जाएंगे। और देखिए यहाँ पर नए तरीके का जो इसका स्तंभ है, निचला हिस्सा है, देखिए इसको लगाया जा रहा है काफ़ी खूबसूरती से। देखिए जो पिलर वहाँ बना है उसको यहाँ पर लगाया जा रहा है। और काफ़ी तेज निर्माण कार्य किए जा रहे हैं क्योंकि दीपोत्सव से पहले पहले इसको बना लेना है और यहाँ पर लाइटिंग की भी व्यवस्था की जानी है। सर कौन सा चैनल है? राम भक्त अभय वीर न्यूज पे रहेगा ना? हाँ हाँ यूट्यूब पे है। और सूर्य स्तंभों की आभा इस प्रदेश में काफ़ी अधिक मनमोहक एवं दिव्य प्रतीत होती है।